असल नाजी ज़फ़र इकबाल अस्पायरी स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त अगर हम पूरे पाकिस्तान में देख लें तो बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और बहुत से लोग चाह रहे थे कि हम अपने शहरों से, जैसे पंजाब के सिटीज़ हैं, सिंध है, जो मुल्तान साइड के जो लोग हैं, वो चाह रहे थे कि यार हम किसी ठंडे एरिया के अंदर जाएँ, वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करें। तो आज आपके लिए मैं मरी के अंदर कुछ अपार्टमेंट्स लेके आया हूँ और ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं और जगह बड़ी ज़बरदस्त शानदार है, एक गेटेड कम्युनिटी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आज हूँ सीसल रिज़ॉर्ट के अंदर हूँ और सीसल रिज़ॉर्ट की अगर मैं यहाँ आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 26 ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसके अंदर कोई 700 के करीब अपार्टमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट इसमें 95% अपार्टमेंट्स हैं जो सोल्ड आउट हुए हैं। तो हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक बड़ी अच्छी इन्वेंट्री मौजूद है, जिसके अंदर वन बेड भी हैं, जिसके अंदर टू बेड अपार्टमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास पेंट हाउसेस भी हैं। तो बड़ी एक ज़बरदस्त इन्वेंट्री डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर मौजूद है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ के कुछ ब्लॉक्स शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखिए अगर आप इनमें से किसी भी अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हुए या यहाँ लेना चाहें आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मेरे जो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया होगा इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो आपको हम साइट विज़िट को आ देंगे, जो अपार्टमेंट आपको पसंद आएगा आप उसको चूज़ कर लीजिए। तो नाज़रीन मैं अभी एक अपार्टमेंट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जी नाज़रीन मैं अभी आपको ये लेके चलता हूँ, एक टू बेड अपार्टमेंट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये टू बेड अपार्टमेंट 730 स्क्वायर फीट का है और जैसे ही हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो ये सबसे पहले हमारा लाउंज आ गया और एक खूबसूरत लाउंज बनाया हुआ इन्होंने, आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इस साइड पे ये ओपन किचन है, ये इसकी किचन के अंदर जो अलमारी वगैरह कैबिनेट छोटी छोटी सी बेसन भी है, यहाँ पे आप अपना स्टोव वगैरह लगा सकते हैं। और अब आपको एक बेडरूम के अंदर मैं लेके चलता हूँ, ये इसका एक बेडरूम है। ये सामने एक आपको कैबिनेट यहाँ पे है और इस कैबिनेट को भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। और साथ ही ये विंडो से बाहर बड़ा खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है, ये सामने अपार्टमेंट भी है और बड़े खूबसूरत से दरख्त हो रहा है और ये सारा एक बेहतरीन नज़ारा है। इसी तरह से ये साथ इसका वॉशरूम आप देखिए, और यह आपका एक बेडरूम यहाँ पे है और इस पे जैसे अपना मैट्रेस रखने हैं इन्होंने। और सेकंड बेडरूम में हम चलते हैं, ये सेकंड बेडरूम है, एक वॉशरूम ये है नासिक, दोनों बेडरूम के साथ अटैच वॉश है। बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है। और अभी मैं आपको बैल्कनी दिखाने जा रहा हूँ इसकी, आइए आपको बैल्कनी दिखाते हैं यहाँ से, अच्छी बड़ी बैल्कनी है ये आप देखिए, यहाँ पे बड़े आराम से आप शाम में बैठ के
चाय शाय पीना है और सनसेट का और सनराइज़ का जो नज़ारा कर सकते हैं यहाँ। ये पार्किंग वगैरह आप देखिए, यहाँ पे हमने एसी की पार्किंग बनी हुई है और यहाँ से ये सामने ऊपर आपको ये माल रोड नज़र पिंडी पॉइंट सामने है और ये डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमारे पास नाज़रीन इसके अंदर मुख्तलिफ इन्वेंट्री के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो नाज़रीन इस वक्त जो मैं यहाँ बालकनी में खड़ा हूँ तो यहाँ हवा बड़ी मज़े की चल रही है और इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये मरी के अंदर मैं आप अगर ये देख सकें मेरे साथ मोबाइल पे, तो इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आप ये देख लीजिए कि शाम में और कम होते होते तो ये रात को कोई 12-13 तक भी चला जाता है ये। और मैं अभी थोड़ी देर पहले जिस वक्त पिंडी से आया तो वहाँ पे टेम्परेचर कोई 39-40 के अराउंड वो चल रहा था। यहाँ पे बड़ा पुरसकून रह सकते हैं और बड़ा खूबसूरत सा एक मंज़र यहाँ पे है। नाज़रीन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हमारे पास सीसल रिज़ॉर्ट के अंदर कुछ 26 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और जिनमें बड़ी महदूद तादाद के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है और इसमें हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं, 1 बेड लाउंज भी हैं, 2 बेड लाउंज भी हैं, 3 बेड लाउंज के अपार्टमेंट्स भी हैं, इसी तरह से पेंट हाउसेस भी हैं और साथ कॉटेजेस के अंदर 2 बेड लाउंज के साथ कॉटेजेस भी हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी गर्मियों को यहाँ पे रह के सर्दियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन आपने इसके बारे में कुछ भी जानना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है इस व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।